नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा parivahan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको सबसे ऊपर दिए गए ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, जहां आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहां मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, जिसे आपको स्किप कर देना है। इसी के साथ आप वेबसाइट के होम पेज में पहुंच चुके हैं, जहां आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसे आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने वो 7 स्टेजेस आ चुके हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे और कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने EKYC ऑथेंटिकेशन का ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन, सेकंड है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप आधार की मदद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन को टिक करें, लेकिन अगर आपके आधार में करेक्शन होना बाकी है और एक ट्रू डेटा आपके आधार में नहीं है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यानी कि सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिसपे आपका एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ अप्लाई करना होगा और ऑथेंटिकेट विद सारथी के ऑप्शन को जाके क्लिक करना होगा, जिसके बाद ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस का ये फॉर्म खुल के आ जाता है, जिसे आपको सिंपली फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना नियर बाई RTO ऑफिस सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, देन रिलेशन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एंड ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी होंगी। इसके बाद ही सेम पेज में आपको नीचे आ जाना है, जहाँ आपकी स्टेट ऑलरेडी मेंशन है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, साथ ही तहसील, विलेज, स्ट्रीट, लोकेलिटी, लोकेशन, एरिया का पिन कोड आपको यहाँ सभी मेंशन करना है। नीचे आपसे काइंड ऑफ व्हीकल पूछा गया है, तो जो भी आपका व्हीकल का टाइप है इन चारों में से, वो आप सिलेक्ट करके इस बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपका लाइसेंस कभी कैंसिलेशन हुआ है या सस्पेंड हुआ है, तो वो आप येस या नो में उसका आंसर लिख देंगे। साथ ही आपसे पूछा गया है इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, कि जो ये एप्लीकेशन फिल कर रहा है क्या वो किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड है, तो ये भी आप अपने येस नो में आंसर लिख देंगे। देन आपका ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, जिसमें एक चीज है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको एक बार पढ़ लेना है और इसके नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका यस नो में आपको ट्रूली आंसर करना है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद ही आपके सामने आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप खुल के आ जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। एक बार आपको इसे क्रॉस चेक कर लेना है। साथ ही नीचे आपकी सर्विसेज रिक्वेस्टेड की लिस्ट है, जिसमें आपने अपनी गाड़ियों का नाम लिखा है। साथ ही नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज रिक्वेस्टेड, जिसमें आपके गाड़ी का यानी आपके व्हीकल का टाइप्स मेंशन है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड, तो जो दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है उनके नाम भी यहाँ पहले से लिखे हुए हैं। तो अगर आपको इस रेफरेंस आईडी का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन में जाके क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद ही आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके सामने एक बार फिर खुल के आ जाती है। अब आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको सेम पेज में नीचे आना है और सबमिट के बटन को क्लिक करना है, देन ओके को प्रेस करना है। उसके बाद ही आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ये पेज खुल के आ जाता है, जिसमें अब आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपसे एज प्रूफ मांगा गया है, जो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इश्यूड बाय, इश्यू होने की डेट, कॉन्टैक्ट नंबर और स्टेटस, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसी के साथ आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 20KB से लेस हो या 20KB के बराबर हो और वो JPG और JPEG के फॉर्मेट में हो। अब आपके सामने थर्ड स्टेप आ जाता है, जो कि है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। इसमें भी आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते टाइम में ध्यान देना होगा
कि उसका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में ही हो और साथ ही उसका साइज 20 KB या उससे लेस हो। इसके बाद ही आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन में जाके क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट करके आप कुछ इस प्रकार के पेज में पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने फोर्थ स्टेप आ गया है जो कि है फी पेमेंट का। चलिए इसे क्लिक करके प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करते ही आपके सामने टोटल अमाउंट आ चुका है। यहाँ मैंने 2 व्हीकल्स को सिलेक्ट किया था तो 2 व्हीकल्स का ऐड होके ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अगर आप 1 व्हीकल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका पर्टिकुलर अमाउंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे जाके आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और पे नाउ के बटन को क्लिक करना है, जिसके बाद ही आपको नेक्स्ट पेज में टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद ही आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट खुल के आ जाते हैं कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेबिट कार्ड को चूज किया है, जिसके बाद ही पेमेंट की डिटेल्स आ चुकी है जिसे हमें कन्फर्म कर लेना है। यहाँ आपको अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल करना होगा और उसे सेव करना होगा, जिसके बाद आपके फोन में एक OTP आएगा जो आपको यहाँ अप्लाई करना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके सामने ये सक्सेसफुल पेमेंट की डिटेल आ चुकी है। आप पेमेंट के इस रिसिप्ट को क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट में जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। पेमेंट के रिसिप्ट को प्रिंट करने से पहले आपको फिर से एक OTP को अप्लाई करना होगा और प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन में जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने आपके पेमेंट की रिसिप्ट सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप में जो कि है अपॉइंटमेंट का, जिसके लिए आपको वेबसाइट के होम पेज में जाना होगा और ऊपर अपॉइंटमेंट के दिए ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको पहला ऑप्शन जो कि है LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, इसे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है जो आपके मेल आईडी और मैसेज के थ्रू आप तक पहुँच गया होगा, जिसके बाद आपको लिखनी है एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ। वेरिफिकेशन कोड में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और सबमिट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद ही आपके सामने ये रिसिप्ट खुल के आ जाती है जिसे आपको नीचे दिए गए प्रोसीड के बटन को जाके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक कैलेंडर फॉर्मेट पे एक पेज खुल के आता है जिसमें आपको कुछ डेट्स दी गई हैं। तो जिन डेट्स में भी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है वो सारी अवेलेबल डेट्स हैं। आप उनमें से कोई भी एक डेट बुक कर सकते हैं। आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने टाइम की भी एक लिस्ट आ जाएगी जिसे आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने नियर RTO ऑफिस जाते टाइम अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फीस रिसीट, अपॉइंटमेंट रिसीट और 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी होगी। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों ही अपने साथ ले जानी होगी। इसी के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराने के लिए आपको फिर से वेबसाइट के होम पेज में आना होगा और अदर्स के ऑप्शन में जाके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना होगा। इसी के साथ एक साइड एप्लीकेशन नंबर डाल के और दूसरी साइड डेट ऑफ बर्थ को डाल के आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन को जाके क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट हो जाएगा। RTO ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रेस करने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज में आना होगा और एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कभी भी ट्रेस कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।